कांकेर जिले के अति नक्सल प्रभावित छोटे बेठिया थाना क्षेत्र के हिदूर के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में बस्तर फाइटर का आरक्षक रमेश कुरेठी बलिदान हो गया, वहीं एक वर्दीधारी नक्सली भी ढेर हो गया। जवानों ने मुठभेड़ में मारे गए नक्सली के शव के साथ AK-47 हथियार भी बरामद किया है। कांकेर ASP अविनाश ठाकुर ने मुठभेड़ की जानकारी दी। लगातार नक्सलियों के अभियान की कार्रवाई संचालित की जा रही है। आज दिनांक 3 मार्च को नक्सलियों के उपस्थिति की सूचना पर थाना छोटे बेटे के हिदूर जंगलों में नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया गया, जिसमें BSF, DRG और जिला बल के जवान द्वारा एक संयुक्त अभियान किया गया था। जब हमारे जवान नक्सलियों की उपस्थिति की जगह पर पहुंचे तो नक्सली द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसके जवाब पर भी हमारे जवानों ने लगातार फायरिंग की। ये फायरिंग लगभग 1 घंटे से अधिक चली है और जब इलाके की सर्चिंग की गई तो एक नक्सली का शव बरामद हुआ है, जिसमें एक छोटी सी प्राप्त हुआ है। इस नक्सल विरोधी अभियान में हमारे जिले के एक आरक्षक रमेश कुरेठी शहीद हो गए हैं। इलाके में भी सर्चिंग अभियान जारी है।